हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 36 फीट बाई 37 फीट 6 इंच प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्लॉट है, इसका टोटल एरिया 1350 स्क्वायर फीट होता है। 150 गज का हमारा ये प्लॉट है। इसकी जो ग्राउंड फ्लोर पर रिक्वायरमेंट है वो 2 बेडरूम 1 ड्राइंग रूम 1 किचन 1 लॉबी और कार पार्किंग के लिए स्पेस। इस प्रकार से हमें इस रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्लॉट को डिजाइन करना है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो को कि हमने इसको किस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान 36 फीट बाई 37 फीट 6 इंच का। ये हमारा रोड रहेगा 20 फीट का। यहां से हमने एंट्री दी हुई है, 10 फीट वाइड की हमारी एंट्री रहेगी। जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपके लिए स्टेयर केस मिलेगा और कार पार्किंग का स्पेस मिलेगा। ये जो स्पेस रहेगा 10 फीट बाई 21 फीट 6 इंच रहेगा हमारा। फिर यहाँ फ्रंट पर आपके लिए 4 फीट वाइड ओपन पैसेज मिलेगा। यहाँ कॉर्नर में आपके लिए टॉयलेट मिलेगा 7 फीट बाई 4 फीट का, ये हमारा टॉयलेट रहेगा। यहाँ फ्रंट पर आपके लिए एक ड्राइंग रूम मिलेगा। ड्राइंग रूम का साइज रहेगा 11 फीट 9 इंच बाई 12 फीट 6 इंच। इस वॉल पर हमारा टीवी यूनिट लगेगा। यहाँ हम सोफा सेट डालेंगे। ड्राइंग रूम के वेंटिलेशन के लिए ये हमने विंडो डिजाइन किया हुआ है। फिर आप दूसरी एंट्री यहाँ से करेंगे। ये जो एंट्री रहेगी हमारी सीधी लॉबी में रहेगी। जैसे ही आप लॉबी में एंट्री करेंगे, आपके लिए यहाँ डाइनिंग टेबल मिलेगा। लॉबी का साइज रहेगा 20 फिट बाई 11 फिट, काफी बड़ा लॉबी रहेगा। यहाँ मिलेगा आपके लिए फ्रंट पर एक बेडरूम 12 फिट बाई 12 फिट 6 इंच का। ये बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए विंडो डिजाइन किया हुआ है। बेडरूम से अटैच ये हमने टॉयलेट डिजाइन किया हुआ है। ये जो टॉयलेट है हमारा बेडरूम और ड्राइंग रूम दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ये हमने डिजाइन किया हुआ है वार्डरोब रूम के लिए। इस वॉल पर हमारा टीवी यूनिट रहेगा। फिर यहाँ मिलेगा आपके लिए किचन। किचन का साइज रहेगा 10 फिट 6 इंच बाई 7 फिट 6 इंच। किचन से आपके लिए यहाँ मिलेगा स्टोर 5 फिट बाई 5 फिट का। फिर यहाँ मिलेगा आपके लिए पूजा के लिए स्पेस 5 फिट बाई 2 फिट 6 इंच का। यहाँ मिलेगा आपके लिए नेक्स्ट बेडरूम, जिसका साइज रहेगा 14 फिट बाई 10 फिट 6 इंच। ये हमने बेड डिजाइन किया हुआ है। इस साइड हमारा वार्डरोब रहेगा। इस वॉल पर हमारा टीवी यूनिट रहेगा। बेडरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ हमने विंडो डिजाइन किया हुआ है। और बेडरूम से अटैच आपके लिए यहाँ टॉयलेट मिलेगा। इस साइड हमारा शावर एरिया रहेगा, ये हमारा टॉयलेट सीट और ये हमारा वॉश बेसिन रहेगा। इस टॉयलेट में भी आपके लिए 2 गेट मिलेंगे। आप इस टॉयलेट को यहाँ से भी यूज करेंगे। और ये मिलेगा आपके लिए ओपन स्पेस 8 फिट 9 इंच बाई 4 फिट का, जो कि किचन और इस बेडरूम और लॉबी के वेंटिलेशन के लिए रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने इस 150 गज के प्लॉट को डिजाइन किया हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।